नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पॉलिटिकल साइंस में आगे हम लोग बात कर रहे थे वेस्टर्न थिंकर्स में। वेस्टर्न थिंकर्स के हम लोग क्रक्स पॉइंट निकालने की कोशिश किया था, जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थॉमस हॉब्स को देख चुके हैं, प्लेटो को देख चुके हैं, ठीक है, कन्फ्यूशियस को देख चुके हैं। उसी प्रकार एक बहुत ही ज्यादा फेमस विचारक हैं, वेस्टर्न थिंकर्स हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। उनका नाम है निकोलो मैकियावेली। क्या? निकोलस मैकियावेली, ठीक है। अब निकोलस मैकियावेली के बारे में हम लोग, जैसा कि हमारा चर्चा करने के विषय में क्या रहता है, उनकी सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी पुस्तकें। पुस्तकों के बाद उनका बेसिक इंट्रोडक्शन एक आपके दिमाग में होना चाहिए, और उसके बाद फिर आपका उनकी जो मेन मेन विचारधाराएं थी, वो तीन चीजें हमको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही आने की संभावना रहती है। बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर निकोलस मैकियावेली की बात करें, तो इनका जन्म, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सभी का हम लोग जन्म स्थान पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्या मेन टॉपिक था, तो इनका जन्म क्या हुआ, इटली में हुआ। इनका जन्म इटली में, एक जगह है, एक सिटी है, फ्लोरेंस। फ्लोरेंस सिटी में इनका जन्म हुआ, और ये बात है लगभग 1469 की। तो 1469 की अगर बात करें, तो ये काल है हमारा यूरोपियन रेनेसा का, मतलब यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था, ठीक है, खासकर इटली में। 1469 के आसपास यूरोप में ये पुनर्जागरण का काल था। तो इसका मतलब जो पुनर्जागरण का ये काल था, तो पुनर्जागरण का ये मतलब होता है कि वहां जैसे पहले सबसे कैथोलिक चर्च हुआ करते थे, और चर्च में होते थे कौन, पोप, ठीक है। पोप मतलब कि कैथोलिक चर्च का पिता कहा जाता है, सबसे मेन प्रमुख व्यक्ति कहा जाता है, पादरी कहा जाता है, पोप कहते हैं। तो पोप के शासन से अब क्या हो रहा था, वहां पर पुनर्जागरण हो रहा था, तो इंसान लोकतंत्र और राजतंत्र की तरफ आ रहे थे, ठीक है। तो ये पुनर्जागरण के काल में निकोलस मैकियावेली का जन्म होता है इटली के फ्लोरेंस में। इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है, या फिर इसका बैकग्राउंड, ठीक। इसके बाद फिर क्या होता है, ये इनको निकोलस मैकियावेली को क्या कहा जाता है, इनको कुल मिला के अगर ये कहा जाए पुनर्जागरण के काल में ये जन्म लिए होते हैं, तो उन्होंने बहुत सारी समस्याएं को देखा, पोप का शासन को भी देखा, राज मतलब राज में पोप का भी बाधा जो उत्पन्न करते थे पोप्स, उनको भी देखा। तो ये क्या ऐसे संक्रमण काल में पैदा हुए, और इनका पालन मतलब पालन बाड़न लालन पालन हुआ, कि जैसे कि उनके जीवन में अगले जो उनके विचार आएंगे ना, आगे हम लोग देखेंगे, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। हम लोग देखेंगे कि इनके कुछ ऐसे विचार हैं, जैसे इन्होंने ये कहा कि नैतिक मूल्य को अलग रखना चाहिए। नैतिक मूल्य से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि राष्ट्रीयता हमारे अंदर होना चाहिए, राष्ट्र निर्माण कार्य तत्व होना चाहिए, राष्ट्र चरित्र पे हमको ध्यान देना चाहिए। नैतिक मूल्यों को इन्होंने साइड में रखा है। हम लोग देखते होंगे ऐसे ही हमारे भारत में एक बहुत विख्यात विचारक हुए कौटिल्य, उन्होंने भी ऐसी कुछ बातें की कि नैतिक मूल्य तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल होना चाहिए, अपने राज्य की रक्षा करना चाहिए, राज्य धर्म तो ठीक है, लेकिन राज्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राज्य के रक्षा के लिए आप दुश्मन मतलब किसी को दोस्त नहीं बना सकते, कोई आपका दोस्त नहीं होता है, सब दुश्मन होते हैं, आप चतुर होना चाहिए, आपको चतुर होना चाहिए, आपको दिखावटी होना चाहिए, आप क्या बोलते हैं शेर होना चाहिए और लोमड़ी जैसे आपका दिमाग होना चाहिए, बहादुर शेर जैसे होना चाहिए और लोमड़ी जैसे चालाक दिमाग भी होना चाहिए, अगर नहीं काम बन रहा है तो आप उस पर वार कर दीजिए, चुपके से भी वार कर सकते हैं, ये चाणक्य ने भी कहा है। और इसी तरह मैकियावेली वहां के इटली में कहा गया है, उन्होंने कहा, ठीक है। तो इसीलिए भारत का मैकियावेली अगर कहा जाता है चाणक्य को, तो बहुत सारी समानताएं मिलती हैं, इसलिए कहा जाता है। तो निकोलस मैकियावेली, उस समय पोप का शासन चल रहा था, पुनर्जागरण का काल चल रहा था, तो इनके जीवन में बहुत सारा प्रभाव पड़ा। तो इन्होंने, और ये सब चीजें हमको कहाँ से मिलती हैं, तो इनकी सबसे फेमस एक बुक है, बुक्स की हम लोग चर्चा करेंगे, सारे बुक्स इनके नोट डाउन करेंगे, इनकी बुक है
द प्रिंस, द प्रिंस इनकी बहुत महत्वपूर्ण किताब है जिसमें सब कुछ इन्होंने वर्णन किया, जैसे अर्थशास्त्र है कौटिल्य की, इसी तरह इनकी द प्रिंस है। ठीक है, तो हम लोग इनका पालन लालन पालन उस समय हुआ, उसके बाद इनके जीवन में बहुत इसका प्रभाव पड़ा। तो इन्होंने क्या समर्थन किया कि यहाँ पर वहां पर क्या होना चाहिए, एक नागरिक सेना का निर्माण, ये इनका सबसे मेन तत्व है। क्या है, नागरिक सेना का निर्माण किया। किसने किया पहली बार, तो नागरिक सेना का निर्माण इन यहाँ पर निकोलस मैकियावेली ने किया। नागरिक सेना का निर्माण मतलब होता है कि हर व्यक्ति को सेना में होना चाहिए, हर व्यक्ति को सेना की ट्रेनिंग एक दी जानी चाहिए, हर व्यक्ति अपने आप में एक सेना का पार्ट होना चाहिए। सेना का पार्ट क्यों होना चाहिए, अपने राज्य की रक्षा करने के लिए। मैकियावेली ने भी इस राजतंत्र को भी सपोर्ट किया कि एक राजतंत्र में राजा होना चाहिए, राज्य होना चाहिए और राज्य में सेना होना चाहिए, ये उन्होंने सबसे मेन इनका सिद्धांत है। क्योंकि देखा जाए तो इटली उस समय पांच भागों में विभाजित था, पांच स्टेट में अगर बात करें, जैसे हो गया रोम, नेपल्स, मिलान, वेनिस और आपका फ्लोरेंस, पांच ही शहर थे इसमें, ये विभाजित थे। तो इनको ये क्या करे, मैकियावेली कोशिश कर रहे थे इनका एकीकरण कर दे, खासकर फ्लोरेंस, तो इनको एकीकरण के लिए जाना जाता है। ठीक है, नागरिक सेना की बात की, एकीकरण की इन्होंने बात की। ठीक, एक विचारक है सेबाइन, इसमें इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावना है। सेबाइन, सेबाइन ने मैकियावेली को ये कहा कि ये व्यक्ति कुछ वर्षों बाद अगर पैदा होता ना तो इसके कुछ विचार अलग होते हैं, और स्वाभाविक सी बात है वो जो फेज है वो काल अगर चला जाता उस समय नहीं पैदा होता व्यक्ति तो दूसरे उसके होते विचार। तो सिबाइन ने कहा कि मैकियावेली अगर कुछ वर्षों बाद पैदा होता तो उसके विचार कुछ और होते, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। और एक बनिंग विचारक हैं, उन्होंने इनको ये कहा कि मैकियावेली एक शिशु है। शिशु किस संदर्भ में है, शिशु का किस संदर्भ में है आगे हम लोग बात करेंगे, क्यों शिशु उनको कहा गया। ठीक है, तो इनके अब कुछ जैसे इनके थॉट्स हैं, इनके मूल मंत्र क्या है, तो इनके मूल मंत्र जैसे इन्होंने कहा, साध्य ही साधन का औचित्य है। जैसे महात्मा गांधी ने क्या कहा, साधन साध और साधना में कोई असमानता नहीं है। उन्होंने कहा अगर आप हिंसा करने का दिमाग में भी सोच रहे हैं ना, वो आपका क्या है, हिंसा ही है, भले ही आप उसको मारे ना मारे लेकिन अगर मन में सोच ले तो है। तो साध्य और साधन में अंतर नहीं समझा उन्होंने, गांधी जी ने। तो फिर यहां पर बात ये करते हैं कि इनकी मतलब अभ्यास पद्धति क्या थी, मतलब किस तरह से अध्ययन पद्धति, स्टडी मेथड क्या था। तो स्टडी मेथड की इनके चार पांच पॉइंट में हम लोग बात करेंगे इनके मेन विचारों में। सबसे किताब यहाँ आप साइड में लिख देंगे, स्टडी मेथड मतलब अध्ययन पद्धति इनकी क्या थी। तो अध्ययन पद्धति इनकी तर्कशीलता थी, तर्कशीलता थी। दूसरे नंबर पर मतलब ये यथार्थवादी विचारक थे, यथार्थवादी के बाद इनका शासन कला पर ध्यान था, शासन किस तरह से किया जाए उस पर इनका विशेष ध्यान था, शासन की कला किस तरह होनी चाहिए, ये इनका मेन स्टडी मेथड था अध्ययन के। फिर इसके बाद हम लोग मानव के प्रकृति संबंधी इनके क्या विचार थे, तो इन्होंने ये कहा कि मनुष्य, अब आपको क्या समझ में आता है कि ये अच्छा कहे होंगे बुरा, तो निश्चित सी बात है ये खरी खोटी सुनाने वाले व्यक्ति थे, एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड करने वाले। इन्होंने ये कहा कि मनुष्य क्या है, जन्म से बुरे होते हैं, मतलब वो जन्मजात बुरे होते हैं, वो अच्छा तब तक नहीं करते जब तक विवश ना हो। आप लोग इस बात को फील कर पा रहे होंगे कि मनुष्य जन्म से बुरे होते हैं, वो अच्छा तब करते हैं जब तक विवश ना हो, जब व्यवस्था आती तब वो अच्छाई करना शुरू करते हैं। आप लोगों ने कई एग्जाम्पल देख लिए होंगे, बहुत लोग होते हैं, बहुत पावरफुल लोग होते हैं, हमेशा दूसरे का खाना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं, वो अच्छाई की राह पर तब कब आते हैं, जब उनका कुछ नुकसान हो जाता है, उनका उनके साथ कोई समस्या आ जाती है,
तब वो अच्छे राय में आते हैं, जब तक विवश नहीं होता इंसान तो वो हमेशा बुरा ही करता है। ये किसने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट उनका मानव प्रकृति संबंधी विचार है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उन्होंने एक सेंटेंस और कहा कि व्यक्ति अपने पिता की हत्या या फिर पिता की मृत्यु को हमेशा भूल सकता है, लेकिन उसकी जो संपत्ति नष्ट हुई ना तो आजीवन भर याद रहता है। कोई संपत्ति अगर उसकी नष्ट हो गई है, किसी ने खा लिया है, किसी ने नुकसान कर दिया, हड़प लिया, तो उसको हमेशा याद रखा। अब समझिए कि वो कितना, मतलब मानव संबंधी उन्होंने विचार ये दिया कि मानव इंसान कितना बुरा है, इमोशन को भूल जाएगा, पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति को नहीं भूल सकता, ठीक है। ये उनका सेंटेंस है। राजनीति संबंधित उनके क्या विचार है, राजनीति संबंधी उनके क्या विचार है, तो राजनीतिक संबंधी अगर विचार देखा जाए तो मैंने पहले ही बताया राज्य उनकी नजर में सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। और उसका प्रमुख आधार क्या है, राज्य किस आधार पर चलता है, तो राज्य को भी उन्होंने ये कहा कि राज्य का प्रमुख आधार है छल कपट। आज के परिदृश्य में देख लीजिए, राज्य मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब सरकार, और सरकार छल कपट से चलती है क्या, तो चलती है। वोट लिए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, ये योजनाएं गिनाए जाते हैं, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर नहीं आते। तो यही राज्य है, ये उनका निकोलस मेकियावेली ने पहले ही कह दिया कि राज्य का भौतिक आधार या फिर मौलिक आधार क्या है, छल और कपट है, जो आज भी लागू होता है। आप सब लोग उस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं, इन्होंने राज्य संबंधी और क्या बात किया, तो इन्होंने ये कहा कि सेना, सेना को वास्तविक शक्ति माना जाए, सेना का इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और इन्होंने कहा सब कुछ सेना ही है, सेना से हम लोग धन कमा सकते हैं, धन से लेकिन सेना नहीं बना सकते। सेना और धन को दो तराजू पे मतलब रखा जाए दो हाथ पे, तो इन्होंने कहा कि सेना हमेशा भारी रहेगी, सेना ही सब कुछ राज्य का है, तो सेना को बहुत सपोर्ट किया। 17 से 40 वर्ष के लोगों को सबको कहा कि सबको सेना में होना चाहिए, इन्होंने यही कहा, ठीक है। राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति का बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, तभी तो सेना का सपोर्ट करते थे, तो राष्ट्रीयता और देशभक्ति के सूचक थे ये व्यक्ति, ठीक है। राजनीति संबंधित ये, मानव संबंधित इनका अध्ययन का पद्धत क्या था, राजनीति क्या थे, ये इन्होंने समझा, ठीक है। फिर इन्होंने ये कहा कि राज्य को बहुत ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए, शक्तिशाली मतलब क्या होना चाहिए, ये जैसे आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारा क्या है, सेना है, सॉरी बाह्य सुरक्षा के लिए हमारा सेना काम करेगा, और आंतरिक सुरक्षा में किसका योगदान रहेगा, शक्ति के आधार पर होगा, शक्ति किसके हाथ पे होगी, राजा के हाथ पे होगी, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा नहीं हाँ आंतरिक सुरक्षा आपकी सेना के सेना के हाथ पे होगी, और बाह्य जो है ना ये आपके शक्ति पे निर्भर करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद धर्म और नैतिकता संबंधी इनके क्या विचार थे, इसमें हम लोग देखते हैं। तो धर्म और नैतिकता संबंधी विचारों के बाद में इन्होंने धर्म को ये कहा कि धर्म हमेशा इंसान क्यों मानता है, धर्म एक तरह से कानून को मानने के लिए विवश करते हैं, धर्म अगर नहीं हो तो इंसान नियम और कानून को मानेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है, नहीं मानेगा। तो दोनों ने यही बहुत गहरी बात उन्होंने कही कि धर्म के माध्यम से ही लोग क्या मानते हैं, कानून और नियम को मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंसान धर्म मानता है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, कोई भी धर्म है, तो उसमें अपना ये क्या मानता, मान लीजिए एक हिंदू है तो ये मानता है कि हर दूसरे के साथ अच्छा करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, सहायता करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। और कानून में क्या है, कानून में भी तो यही चीजें लिखा है ना कि दूसरों का मौलिक अधिकार जैसे लिखे हैं कि दूसरे का हनन नहीं करना चाहिए, दूसरे की संपत्ति नहीं हड़पना चाहिए, सबको जीने का अधिकार देना चाहिए, यही कानून है। तो वो धर्म में वो सीखता है और वो उसी से कानून को मानता है। तो धर्म एक कानून को मानने का एक तरीका है, और ये अंतरात्मा पे निर्भर करता है, ये उन्होंने कहा, ठीक है। धर्म के संबंध में या फिर रिलीजन के संबंध में कौन, मैकियावेली की हम लोग बात कर रहे हैं।
और इन्होंने ये कहा कि धर्म धर्म तथा राज्य और व्यक्ति को समान मानदंड पर नहीं रखा जा सकता। मतलब राज्य है और व्यक्ति है तो समान मापदंड पे नहीं रखा सकता, क्योंकि आप अगर सोचे कि हम एक राज्य या फिर एक देश भी धर्म का पालन करे, ऐसा नहीं हो सकता। व्यक्ति अपने आत्मा के स्तर पर कर सकता है लेकिन राज्य नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर धर्म ये है कि दूसरे को आप मतलब झूठ मत बोलिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप फील करिए कि झूठ नहीं बोलना है। लेकिन क्या आप मान लीजिए बॉर्डर पे हैं, ठीक है, आपको मान लीजिए पाकिस्तानी सैनिक दूसरे बॉर्डर पे लोग पकड़ लिए, तो वहां आपसे सारी चीजें पूछी जाएगी कि भाई कौन हो क्या नहीं, तो उसमें आपको नहीं बताना पड़ेगा, आपकी असली पहचान नहीं बताना पड़ेगा, देश के स्ट्रेटजी को नहीं बताना पड़ेगा, सेना के बारे में नहीं बताना पड़ेगा। ये वहां पर ये नहीं चलेगा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो मतलब राष्ट्र ही सबसे सर्वोपरि है, तो राष्ट्र और क्या बोलते हैं व्यक्ति में अंतर होता है, ठीक है। व्यक्ति अपने स्तर पर हो सकता है लेकिन राष्ट्र मतलब राज्य के स्तर पर उसको धर्म में झूठ भी बोलना पड़ सकता है, ये आप समझिए, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट जैसे झूठ का, ठीक है। धार्मिकता अंतर आत्मा का विषय है, इन्होंने बोला ही। कानून संबंधी नियम में इन्होंने यही बोला कि कानून संबंधी कि धर्म से ही कानून का पालन होता है, मतलब धर्म एक रास्ता है पालन करने का, केवल और केवल ये मतलब है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आत्मा के स्तर पर होना चाहिए। और कानून में सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए राष्ट्र निर्माण किस तरह हो रहा है, कि आप राष्ट्र के निर्माण और राष्ट्र की रक्षा किस तरह कर पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, किसके लिए, कानून में, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे कानून समझे। अब एक क्वेश्चन है, मैकियावेली को मतलब मैकियावेली एज ए चाइल्ड, मतलब क्यों उसको शिशु कहा गया, तो शिशु कहने के पीछे कई कारण हैं। कई कारण के ये मतलब है, शिशु मतलब क्या होता है कि वो कंडीशन, वो सिचुएशन जब व्यक्ति बढ़ रहा होता है, उसका जन्म नया नया होता है, कोई चीज नया देखा जाता है, जिसे नहीं कहते हैं कि अभी तुम इस फील्ड में बच्चे हो, तो उनको शिशु इसीलिए कहा कि वो उस फेज में थे पुनर्जागरण के समय पर, ठीक है, पुनर्जागरण काल में थे वो, शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना उसी समय हो रही थी, पोप का शासन हटने के बाद राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो रहा था उसी समय, तो उस समय इनका विकास हो रहा था और ये विचारक उसी समय पनपा है। इसीलिए डनिंग ने यही कहा था कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस निवासी अपने युग का शिशु है, ये कहने का उनका मतलब था। मैक्सी ने भी यही कहा कि अपने युग की ये संतान है, ठीक है, इस तरह उनका कहा गया, ठीक है। इटली का राजनीतिक विभाजन भी हो रहा था उस समय, तो ये पुनर्जागरण में लगे थे, एकीकरण करने का सोच रहे थे, तो उस समय शिशु थे, ठीक है, शुरू शुरू में इनका सब कुछ था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनको आधुनिक चिंतक के रूप में कहा जाता है, क्या, मॉडर्न थिंकर। मध्यकालीन समय खत्म हो गया था, आधुनिकता की ओर बढ़ रहा था, एकीकरण हो रहा था इटली में, पुनर्जागरण का काल चल रहा था, तो मॉडर्न थिंकर्स में इनको अगर कहा जाए तो इनको मैकियावेली को मॉडर्न थिंकर के रूप में जाना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्होंने धर्मनिरपेक्षता है जो ना, इसको धर्मनिरपेक्षता का जनक इन्हों कहा जाता है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता मतलब इन्होंने धर्म जाति भेदभाव में फिर किसी भी जगह का, किसी भी राष्ट्र का, राज्य का कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा, इन्होंने पहली बार कहा, ठीक है ना। नैतिकता, इन्होंने ये कहा कि नैतिकता को हमेशा पीछे रहना चाहिए जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर राज्य की सुरक्षा सबसे आगे, इन्होंने ये बल किया। ये आधुनिकता का प्रतीक है ना कि राज्य सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, ना कि आपका नैतिकता। नैतिकता को साइड में रखिए, गोली मारिए, वो चलेगा, लेकिन राज्य की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। सामने से अगर लड़ाई हो रही, दुश्मन आ गया, तो उसको मारना है क्योंकि वो आपके राज्य में अटैक कर रहा है, नैतिकता नहीं देखना है कि इंसान है या फिर कुछ, ठीक है, ये राज्य की सुरक्षा। इसलिए बहुत कठोर और इसको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला जाता है। इसी तरह चाणक्य ने भी कुछ आगे बातें कही हैं, आप लोग देखते होंगे, उन्होंने कहा अपने पड़ोसी में हमेशा विस्तार करते रहना चाहिए, विस्तारवादी नीति का उन्होंने सपोर्ट किया है,
हालांकि भारत नहीं कर रहा है, क्योंकि करे भी कैसे, चीन उधर से करता है, विस्तारवादी नीति को अपनाता है, ठीक है, पर अपने पास अभी तो इतना पावर ही नहीं कि हम विस्तार कर सकें। हर कोई चाहता है देखो करना, छोटे अपने राज्य को दबाना चाहता है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा राज्य सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। इन्होंने और क्या कहा, तो इन्होंने इन्हीं दो चीजों पे इनको मॉडर्न थिंकर्स की संज्ञा दे दी जाती है, ठीक है। अब कुछ जैसे इनकी किताब है द प्रिंस, उसमें इन्होंने क्या कहा कि बहुत सारे इन्होंने उपदेश दिए हैं प्रिंस को कि मतलब किस तरह का राजा होना चाहिए, शासक किस तरह का होना चाहिए। तो शासक किस तरह का होना चाहिए, आप कौटिल्य की जितनी बातें आप लोग को पता होगी ना, उसी तरह का इसमें सेम टू सेम है। अब देखिए जैसे द प्रिंस में इन्होंने ये कहा, 26वां अध्याय कहा जाता है प्रिंस में, कि राजा को किस तरह होना चाहिए, ये उसमें आप कभी नेट में सर्च करिए मिल जाएगा किस तरह को होना चाहिए। तो उन्होंने ये बताया कि राजा जैसा दिखता है वैसा होना नहीं चाहिए, बाहर से उसमें कुछ अलग दिखावटी होना चाहिए और अंदर से वो चालाक होना चाहिए। सीजर बोर्जिस को इन्होंने आदर्श शासक बोला है, ठीक है। फिर उन्होंने ये कहा कि राजा को हमेशा बल का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, जो मतलब अगर आपकी सत्ता को आपके राज्य को विरोध कर रहा है उसमें आप बल का प्रयोग करिए, उनको दबाने की कोशिश करिए, आप सुप्रीम पावर में रहिए, इस तरह का राजा होना चाहिए। इन्होंने ये कहा राष्ट्रीय सेना का निर्माण करना चाहिए, किसके द्वारा, राजा को हमेशा करना चाहिए, और सेना को बहुत सशक्त रखना चाहिए, भाड़े के सैनिक पे हम कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि हम बाहर से लाए हैं सैनिक, वो कभी धोखा सकते हैं, देश के राज्य के नागरिक को ही सैनिक बनाओ, उनको ट्रेनिंग दो, ये उनका कहना था। इस तरह का राजा होशियार होना चाहिए, विस्तारवादी होना चाहिए, हमेशा विस्तार करने की सोचे कि बगल वाला राज्य है उसका कौन सा हिस्सा हम अपने मिला लें, ये इस तरह का राजा होना चाहिए। द प्रिंस किताब में उन्होंने ये कहा शेर जैसे बहादुर होना चाहिए, लोमड़ी जैसे चालाक होना चाहिए। आपको निश्चित रूप से चाणक्य के वचन याद आ रहे होंगे, उन्होंने भी यही सब बातें कही, सब बातें, इंसान को होशियार होना चाहिए, ज्यादा भावनाओं बहना नहीं चाहिए, नैतिक ठीक है, नैतिक के अलावा आपको प्रैक्टिकल इंसान होना चाहिए, और सही भी है। हाँ, जैसे मैकियावेली को ये भी कहा गया कि उसकी जो बातें हैं ना, उसके विचारों को लोग विरोध भले करते हैं लेकिन रियलिटी में अपनाते हैं, इसी तरह चाणक्य है, सब रियल लाइफ में सबको यूज हो रहा है, वो सब लोग चाणक्य की नीत को ही यूज करते हैं, लेकिन भले ही कहते कि नहीं वो नैतिकतावादी नहीं थे, वो प्रैक्टिकल इंसान थे, भाई वो जरूरी है, कहने के लिए बातें अलग है लेकिन मानने के लिए और व्यवहारिक और प्रैक्टिकल तौर पर एकदम सही कहते हैं। तो इसी तरह मैकियावेली थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और सही बातें कह के गए, ठीक है। राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को दिखावटी होना चाहिए, उदार दिखने में होना चाहिए, दयालु दिखने में होना चाहिए जनता को, लेकिन ऐसा बस दिखना चाहिए, उसके साथ बना के रखो बस जनता के साथ, बाकी स्टैंडर्ड रूप से आप होशियार रहना चाहिए। तो ये कुछ मैकियावेली की बातें हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि उनका कहने का मतलब क्या है, आप लोग एक व्यक्तित्व को समझ गए होंगे इतने समय में मैकियावेली क्या थे। तो द प्रिंस इनकी मेन पुस्तक थी, उसके बाद द डिस्कवरी ऑफ लिवी या लाइफ भी बाय, ठीक है। दो तीसरे नंबर की बुक थी द आर्ट ऑफ वार, ठीक है। चौथी आपकी थी द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। चार किताबें आपको रखना है और उसमें भी द प्रिंस, क्या द प्रिंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, कभी क्वेश्चन आपके संभावना आने की रहती है मैच द फॉलोइंग करने की, अरस्तु दे देगा, प्लेटी दोगे, मैकियावेली दे देगा और उनसे मैच द फॉलोइंग किताबें करवा लेगा, बस इतना ही है। मैकियावेली मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आप लोगों को इससे रिलेटेड अब ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने सारा इनके थॉट्स समझा दिए, इनके नैतिक राजनीतिक नैतिक धार्मिक सब पक्षों को मैंने कवर किया, इनका बेसिक इंट्रोडक्शन भी बता दिया, ठीक है। कौटिल्य को निकोलस मैकियावेली कहते हैं भारत का, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विचार मिलते हैं। कौटिल्य जब हम पढ़ेंगे तो मैकियावेली की चर्चा होगी, मैकियावेली पढ़ेंगे तो कौटिल्य की चर्चा होना ही होना है। तो ये रहे मैकियावेली, उसके बाद हम अगले थिंकर्स को अगले वीडियो पे कवर करेंगे, तब तक आप अपना रिवीजन करते रहें, हम लोग धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, ठीक है।
तो वेस्टर्न थिंकर्स और इंडियन थिंकर्स को कंप्लीट करेंगे। और फिर कोशिश हमारी ये रहेगी, लेकिन वो 20 तारीख के बाद हो पाएगा, कि हम लोग मैराथन क्लासेस लाएंगे हर यूनिट का। मैं सोच रहा हूँ, उसमें प्लान कर रहा हूँ, अगर हो पाएगा संभव तो कोशिश करेंगे कि एक घंटे में एक यूनिट को कंप्लीट करने के। इस तरह 10 यूनिट हम लोग करेंगे, क्योंकि 4 तारीख को आपका पेपर है, उसके पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक आप वीडियो को देखते रहें, और जो भी समस्या हो, जो भी कुछ क्वेरी हुआ करें, आप कमेंट करिए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी